हेलो हेलो सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड डेड पार्टी बॉय में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दुबई में मौजूद है और दुबई में इस वक्त हम लोग मौजूद है पाम जुमेरा के पास। जो आपने देखा होगा पाम जुमेरा जब स्काई डाइव करते हैं तो ऊपर से जो नीचे दिखता है वो पाम जुमेरा, उसके पास आ गए हैं लगभग। और यहाँ से मैं ओपनिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है यार। मतलब ये आप देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक है यहाँ के जो रोड्स पे होते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ और पहली बार ही मैं इन रेलवे ट्रैक पे जो है वॉक कर रहा हूँ और बहुत मुझे मजा आ रहा है। और ये यहाँ का स्टेशन है छोटा सा पाम जुमेरा, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूंगा। यहाँ से हम लोग मोनो रेल लेने वाले हैं और मोनो रेल से सीधा हम लोग जाएंगे पाम जुमेरा। जो अटलांटिस का व्यू होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होने वाला है। तो थोड़े से इस ट्रेन के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के होने वाले, एक बार आप देख लो। तो भाई ये देखो पाम जुमेरा का स्टेशन और ये यहाँ का व्यू है। सामने लोग ऐसे ट्रैक करते हैं, मतलब रेलवे क्रॉस को भी इस तरीके से जो है ट्रैक किया जाता है। और ये मोनो रेल का ऑन द वे रूट ऐसे जा रहा है, ये मोनो रेल के लिए आई थिंक हम लोग जाएंगे। और ये यहाँ का व्यू और कुछ इंडियंस भी हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ दिखता है लाइक दिस। तो चलते हैं सीधा मोनो रेल के लिए और यहाँ पर आपको स्टॉप होना पड़ता है, फिर यहाँ से जो है सामने लाइट वाइट दिखती है और इस तरीके से जो है रेलवे ट्रैक को पार करना होता है जैसे कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधा और मोनो रेल की तरफ, फिर अटलांटिस के कुछ व्यूज दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये यहाँ के फुटब्रिज होते हैं, मतलब हमारे यहाँ कैसे होते हैं, यहाँ पे हर चीज जो है एसी। आपको अगर जो भी वॉकिंग वाला एरिया रहेगा ना 1 किलोमीटर से ऊपर का या फिर थोड़ा सा भी, तो उसके लिए आपको जो है कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें पूरा एसी रहता है यार। मतलब कहीं आपको धूप में चलना ही नहीं है, ट्रेन से उतरो तो एसी वाली जगह है, पैदल चलना है तो एसी, बस अगर रोड पर चल रहे हो तो आपको एसी नहीं मिलेगा। और ये वे टू मोनो रेल, तो चलते हैं यहाँ का आनंद लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई ये है इसका पास और हमें गेटवे, हम यहाँ पे हैं, हमें गेटवे से हमने डायरेक्ट अप डाउन लिया है, ये अटलांटिस हो गया। और तो 30 दिरहम का इसका हमें पास पड़ा है और यहाँ से हम अप डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा, ये टिकट्स हो गए, सो ये टिकट्स हो गए यहाँ के। और यहाँ मेट्रो कार्ड नहीं चलता ये है, तो ये टिकट से हम लोगों को चलना पड़ेगा। भाई ये इतनी खूबसूरत यहाँ की मेट्रो है, सोफे लगे हुए हैं बिल्कुल और बहुत अमेजिंग है नो डाउट। ये देखो भाई पाम जुमेरा के नज़ारे देखते देखते अब जो है नीचे आ गए हैं पाम अटलांटिस एरा हमारे पीछे। और ये सारी टेस्ला देख रहे हो, हमारे यहाँ टेस्ला नहीं है और यहाँ लाइन से टेस्ला होटलों में लगी हुई है बिकॉज पूरी प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार है। तो चल रहे हैं सीधा बीच की तरफ और अटलांटिस होटल के थोड़े से मजे लेते हैं और थोड़ा और क्लोज से व्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा होने वाला है। तो चलते हैं सीधा और आगे का व्यू कुछ ऐसा है कि ये जो लास्ट स्टेशन है मोनो रेल का, यहाँ स्टॉप हो जाती है और उसके बाद जो है ये ऑन द वे टू बीच। तो चलते हैं सीधा और शटल बस एडवेंचर पार्किंग और ये पूरी यहाँ टेस्ला, इस सब टेस्ला कार्स हैं भाई। और ये अमेजिंग व्यू है, हम लोग सीधे यहाँ से बीच की तरफ निकलेंगे और बीच में देखते हैं कुछ खास रहा तो चलते हैं। और ये ब्यूटीफुल बीच और यार क्या पानी है यार, देखो ना मतलब इतना। और ये बेचारी इतनी तब से चींची कर रही है, ये देखो दिस इज कैट ब्लैक पैंथर। हेलो हेलो। तो ये बीच वॉक है यहाँ से, तो चलते हैं सीधा और बहुत अमेजिंग है नो डाउट। तो फाइनली आधे किलोमीटर की वॉक करके हम लोग पहुंच गए हैं अटलांटिस। हैप्पी न्यू ईयर में आपने शूटिंग देखी होगी, इसमें शाहरुख खान ने शूट किया था फिल्म का। और ये हमें देखना था थोड़ा राइट से थोड़ा लेफ्ट से, थोड़ी फोटो सेशन यहाँ हम करने वाले हैं।
तो मतलब ओवरऑल मजा आने वाला है। और ये थी हमारी तीसरे दिन की पहली व्यू, मतलब तीसरे दिन का पहला, और अभी बज रहे हैं 4, इंडिया 1.5 घंटे पहले है, तो इस तरीके का माहौल है। एक बार इसका सिनेमैटिक आपको दिखा देता हूँ कैसा होने वाला है। तो चलते सीधे इसके राइड से देखेंगे, और कुछ अगर हमारे पास मतलब स्पोर्ट्स राइड करने के लिए हुआ तो वहाँ देखते हैं, अगर कुछ अपने रेट्स में पड़ गया तो देखते हैं। यहाँ के आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो ये रही, और ये पूरा आपको पाम जुमेरा जो है विजिट करवाएगी, और ये यहाँ से निकलती है। तो भाई बीच पे आ गए हैं, और बीच पे थोड़ा सा एंजॉय कर लिया है, 360 डिग्री व्यूज, और कुछ बीच के शॉट्स मैं आपको दिखा दूंगा उसमें क्या क्या होने वाला और क्या क्या मस्ती करने वाले हम। तो ये बहुत साफ बीच है यार, और थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी, थोड़ा आगे की तरफ बैठे थे, पानी सीधा मुंह पे आ गया, फ्रेंड का जो है बैग भीग गया, लेकिन हम लोगों ने कैसे कैसे करके इंडियन जुगाड़ से उसे बचा लिया। बैग जो है जैसे मरीन ड्राइव में नहीं होते पत्थर, वैसे पत्थर यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इस तरीके का कुछ व्यू रहता है, लेकिन शानदार था जो भी था। बीच से जो है रिटर्न हो गया वापस, जो है वापस ऑन द वे जा रहे हैं, क्योंकि एक गोल चक्कर होता है चलता है जो पाम जुमेरा में, आपने चीज़ें देखा होगा वो है रूट, और ये पीछे पूरा व्यू मेरे पीछे, और चल रहे हैं यहाँ से सीधा वापस दुबई की तरफ, दुबई मरीना जाते हैं और मरीना पे वॉक करते हैं, वहाँ का व्यू देखते हैं कैसा होगा। तो चलते हैं सीधा, फिलहाल हम बाहर के व्यू का मजा लिया। अब आ गए हैं फाइनली वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, गोल्ड मार्केट ऑफ दुबई, और ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दुबई में। वहाँ से पाम अटलांटिस से सीधा है तो गोल्ड मार्केट पहुँच गए, और गोल्ड मार्केट में क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत गोल्ड लेना था अपने लिए, तो देखते हैं कितना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि 5-6 हज़ार रुपये आई थिंक सस्ता है, और फिर कुछ 5% जो एयरपोर्ट पे भी कम हो जाता है, तो चलते हैं। लेकिन यहाँ का पहले थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको कि गोल्ड मार्केट दुबई की कैसी दिखती है। तो भाई ये है गोल्ड मार्केट ऑफ दुबई, और बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं बाहर हम लोग चल रहे हैं, और बहुत ही स्टाइलिश भी है नो डाउट। सारे डायमंड ज्वेलरी जो भी मतलब दुबई से आप लोग लेते हैं वहीं आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ द गोल्ड मार्केट ऑफ दुबई, ये देखो कूड़े के भाव, मतलब आपको यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड। भाई ये वैरायटी देखकर मेरा तो सिर घूम रहा है, मतलब मास्क भी जो है पूरे गोल्ड के मिल रहे हैं ऐसे लगाने वाले, मतलब हद हो गई। लेकिन हम लोगों ने भी कुछ परचेज किया, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा क्या है। तो मज़ा आया ओवरऑल इन सब चीज़ों को करने में, और आज की जर्नी का एंड यहीं करते हैं, इसके बाद खाना खाने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो चलते हैं सीधा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डेड पार्टी बॉय, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, और अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, व्यू को एंजॉय कीजिए।